हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो वर्ग का ही है। क्या कहता है क्वेश्चन? एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल है क्या है वो आपको निकालना है। नए वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग खुद से बनाने के लिए ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, आराम से ये क्वेश्चन बनने लायक है। और जिन्हें एकदम समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है कि आपको क्षेत्रफल निकालना है दूसरे वर्ग का। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी कि एरिया निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला है? तो आपका साइड जो होता है, साइड का स्क्वायर आप कह सकते हैं, है ना, साइड का स्क्वायर आप कह सकते हैं, यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां पे आपको साइड ही पता नहीं है। तो चलिए इसको पहले स्टेप वाई स्टेप बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि यहां का कुछ दूसरे वर्ग का के बारे में कुछ फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इतना पता है कि उसके वर्ग के बारे में एक क्लू दिया गया है कि उसका जो वर्ग का लंबाई है, जो दूसरे वर्ग का जिसका क्षेत्रफल निकालना है उसका जो लंबाई है वो पहले वर्ग का जो विकर्ण का सॉरी इसमें जो दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई है वो पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो अगर आपको पहले वर्ग का विकर्ण पता है तो उसमें √2 से गुना कर देंगे तो दूसरे वर्ग का विकर्ण बन जाएगा। और जब दूसरे वर्ग का विकर्ण अगर आपको पता हो जाए तब क्षेत्रफल निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से दूसरे वर्ग का विकर्ण पहले वर्ग का विकर्ण निकलेगा। तो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले मैं बात करूं कि ये आपका एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है। यहाँ पे ये पूरा क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ये क्षेत्रफल पूरा दिया गया है। और इस ये क्षेत्रफल कितना है आपका? तो क्षेत्रफल दिया गया है पहले वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर यानी क्षेत्रफल को हम भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? तो 200 दिया गया है। और इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो भुजा बराबर क्या होगा? तो भुजा, चूंकि एक भुजा की लंबाई हमको निकालना है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो √200 हो जाएगा। जब √200 होगा तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा? तो 10√2। अगर इसमें इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 × 100 लिख सकते हैं। अब बताएं 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो अगर ये स्क्वायर इसका, ये किसी का स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, 10 का स्क्वायर है। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 अंदर ही रह जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए क्या? तो पहले वर्ग का भुजा निकाल लिए। पहले वर्ग की क्या निकाल लिए? भुजा हमने निकाला। अच्छा, पहले वर्ग का भुजा तो निकल गया। अब बात करते हैं विकर्ण की। ये विकर्ण हमें निकालना है। तो विकर्ण निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। क्या होता है विकर्ण बराबर? विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, यानी डी से डिनोट किया जाता है उसको। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? तो √2 × भुजा। √2 × भुजा ये होता है ना। तो √2 का वैल्यू तो आपको अभी फिलहाल नहीं देखना है। अब भुजा का वैल्यू आपका आ गया है कितना है? तो 10√2 है, 10√2 है। अब बताएं √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर। और स्क्वायर और रूट एक साथ कट जाता है तो बचा क्या? 10√2। यानी कि आपका यहाँ पे विकर्ण पता चल गया कि ये पहले वर्ग का विकर्ण पता चल गया कि कितना है? 20 है। पहले वर्ग का विकर्ण अब आपको पता चल चुका है कि कितना है? 20 है। अब जब पहले वर्ग का विकर्ण आपको पता चल गया है तो क्या दूसरे वर्ग का विकर्ण नहीं पता चलेगा? तो यहाँ पे डायगोनल 2 की अगर मैं बात करूँ तो डायगोनल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? डायगोनल 2 दूसरे डायगोनल का, दूसरे विकर्ण की मैं बात करूँ तो बोला जा रहा है कि एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। यानी जो दूसरे वर्ग का विकर्ण है वो कितना गुना है? तो √2 गुना है किसका? तो 20 का, यानी कि पहले डायगोनल का। तो इसका डायगोनल भी आपको पता चल गया कितना है आपका? 20√2। अब जब डायगोनल पता चल गया है तो डायगोनल के आधार पे भुजा निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ है?
डायगोनल के आधार पे भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि भुजा इक्वल टू क्या होता है, तो डायगोनल बाय रूट टू होता है, जिसमें डायगोनल आपको पता चल गया है क्या है, तो डायगोनल है 20√2 डिवाइडेड बाय रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका 20 बच गया, कितना बच गया 20 बच गया। अब जब 20 बच गया है तो जब भुजा ही हमको पता चल गया दूसरे दूसरे वर्ग का, तो इसका क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, 400 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, वीडियो को पॉज करके अगर इसको नोट करना चाहें, ये थोड़ा डिटेल में है, इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर नोट कर लेते हैं तो आगे समझने में, या फिर जो मैं शॉर्ट इसमें शॉर्टकट में बताऊंगा, इसमें जो स्टेप मैं काटूंगा उसको समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसी का अगर इसी को हम लोग एग्जामिनेशन में बना रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 200 दिया गया है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 200 है, जब पहले वर्ग का क्षेत्रफल अगर 200 है तो दूसरे वर्ग का विकर्ण, तो पहले तो हमें देखना है कि पहले वर्ग का विकर्ण कितना होगा, तो पहले वर्ग का विकर्ण यानी अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो क्या डायगोनल डायरेक्ट निकल सकता है, तो डायगोनल बराबर क्या होता है, तो डायगोनल बराबर होता है, डायगोनल बराबर होता है आपका भुजा, रूट टू इंटू भुजा होता है, रूट टू इंटू भुजा होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भुजा की, मैं बात करूँ तो अगर भुजा निकालना है तो भुजा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो डायगोनल बाई रूट टू होता है, ये क्या है, इसको हम डी बाई रूट टू को भुजा बोल सकते हैं ना, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो भुजा का स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, क्योंकि क्षेत्रफल मतलब क्या भुजा का स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है तो 200 दिया गया है, क्लियर है। अब जब यहाँ पे डायगोनल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 200, तो डी का वैल्यू क्या होगा, चलिए एक स्टेप यहाँ पे भी बढ़ा देते हैं, 2 × 2 = 400, तो डी बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट 400 बताएं, यहाँ पे ये 400 किसका स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर है, तो डी का वैल्यू आपका कितना मिल गया 20 मिल गया। अब इसी के आधार पे क्षेत्रफल 2 निकालना है, क्षेत्रफल 2 अगर निकालना है आपको, तो क्षेत्रफल 2 आपको डायगोनल के आधार पे निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा हम लोग किसको कहते हैं, डायगोनल बाय रूट 2 को हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे डायगोनल जो ये जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल मेरा दूसरे त्रिभुज का डायगोनल नहीं है, यहाँ पे डायगोनल मतलब क्या हो गया कि ये वाला जितना भी डायगोनल का वैल्यू है उसका रूट 2 गुना है, कौन दूसरे वर्ग का डायगोनल, तो यहाँ पे ये रूट 2 गुना इसको कर देंगे, तो डायगोनल बाय रूट टू, और ये आपका क्या निकल गया, भुजा निकल गया, और भुजा का आपको स्क्वायर निकालना है, चूंकि क्षेत्रफल निकालना है, तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो रूट टू से रूट टू कट जाएगा। अब डी का वैल्यू कितना है आपका, तो डी का वैल्यू आपका 20 आ चुका है, यानी कि 20 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 400 हो गया, क्लियर है ना। लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप बैठें, तो मैंने पहले भी जितना भी हमने अर्थमेटिक में पढ़ा है, अब तो हम लोग एडवांस में आ चुके हैं, अर्थमेटिक में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑप्शन पे हमेशा गौर करेंगे, थोड़ा सा अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जब क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्षेत्रफल मतलब क्या, क्षेत्रफल किसी का तो स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना, यानी कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर होता है, तो हम लोग अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये भी बनाना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन देखते हैं क्या 200√2 किसी का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या 400 तो किसी का स्क्वायर है, लेकिन रूट टू कहाँ गया, ये भी तो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, टोटल किसी का स्क्वायर है, नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता है, 400 किसी का स्क्वायर है, ये हो सकता है, 800 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू इसको टिक कर सकते हैं, क्लियर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है तो साधारण क्वेश्चन, अगर आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया है, तो 1:1
चार दिया गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया है, तो 1:4 दिया गया है। किसका, तो दो वर्गों का, यानी दो वर्गों का क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल वन की बात करें तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात मान कितना है, एक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात मान कितना है, तो चार है। तो अगर मैं क्षेत्रफल को मानूं तो क्षेत्रफल वन, यहां पे क्षेत्रफल क्षेत्रफल वन और डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल टू को अगर मैं बात करूं तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1/4 दिया गया है। यही दिया गया है ना। और अगर इनके क्षेत्रफल का ये वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब क्षेत्रफल का वैल्यू क्या होता है, आप इसको मान के भी बना सकते हैं। आप मान लीजिए कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल अगर मानेंगे तो दोनों साइड में x से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू x और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो आइए इसको हम x ही मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4x। x नहीं भी मानते तब भी चलता। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर। तो इस वाले क्षेत्रफल का भुजा को हम भुजा 1 मान लेते हैं। भुजा 1 का स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है कितना, x दिया गया है। और ये वाले क्षेत्रफल को क्षेत्रफल 2 माने हैं, यानी कि भुजा 2 के वैल्यू कितना दिया गया है, स्क्वायर का वैल्यू, तो इसका वैल्यू दिया गया है 4x दिया गया है। दोनों का तो भुजा का ही रेशियो है ना, तो भुजा का रेशियो मतलब भुजा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय भुजा 2 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो x बाय 4 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं x से x काट दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुआ। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये दोनों साइड में स्क्वायर है, दैट मीन्स ये पूरे पे स्क्वायर है आपका, ये आपका पूरे पे स्क्वायर है। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी कि भुजा भुजा 1 बाय भुजा 2 का रेशियो कितना आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब इधर रूट चढ़ जाएगा, अगर स्क्वायर हटेगा यहाँ से, इस बार अगर स्क्वायर हटा करके लिख रहे हैं तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे भुजा 1 भुजा, देखिए इस तरह से लिखा मत कीजिए भुजा 1 और भुजा 2, ये सिर्फ समझाने के लिए है और आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पे कोई सा भी न्यूमेरिकल वैल्यू a मान लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर है, बुक में a ही डिनोट करता है भुजा के लिए। तो भुजा 1 बाई भुजा 2 का वैल्यू क्या आ गया, तो 1 किसका स्क्वायर है, तो 1 ही का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 ही का स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक लॉजिक और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो एक बार हमेशा ध्यान में रखें आप लोग, एक बात एकदम माइंड में सेट कर ले कि जो भुजाओं का अनुपात होता है, दो वर्ग है, दोनों वर्ग के भुजाओं का जो अनुपात होता है वही अनुपात इनके परिमापों का भी होता है, इनके परिमापों का भी अनुपात वही होता है। भुजा का अनुपात कितना निकल गया, 1:2 निकल गया, तो इसके परिमापों का भी अनुपात 1:2 ही होगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं परिमाप की बात करूँ तो पहले परिमाप देखिए, पहला भुजा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 अगर आया है तो यहाँ पे अगर मैं परिमाप की बात करूँ तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है, तो 4 गुना भुजा होता है ना, तो 4 × भुजा का वैल्यू 1 है। अच्छा, ये तो परिमाप 1 हो गया, परिमाप 2 की मैं अगर मैं बात करूँ तो परिमाप 2 कितना है, तो इसका भी क्या होगा, तो 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना इसका भुजा, दूसरा भुजा कितना है, तो 2 है, तो ये 2 के बराबर हो गया। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ 20 में डिवाइड कर दिए, तो 4 तो दोनों साइड में आपको दिखाई देगा, चाहे भुजा की लंबाई कुछ भी हो, 4 तो दोनों साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो जब 4 दोनों साइड में दिखाई दे रहा है तो 4 तो ऑलवेज कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा वही जो भुजा की लंबाई था, यानी कि 1/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भुजा का जो रेशियो होता है, दो भुजाओं का जो रेशियो वैल्यू होगा स्क्वायर में, यानी कि वर्ग में, वही आपका रेशियो उनके परिमाप का भी होता है। क्लियर है, तो आइए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। फ्रेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दें। माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है। माना बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ए क्या है आपका, तो ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है, कैसे वर्ग का क्षेत्रफल है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, तो 100 होगा।
एक ऐसा वर्ग जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 100 है। तो ए क्या है? वैसे ही वर्ग का क्षेत्रफल है। मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू कितना है आपका? 100 है। ठीक उसी तरह से बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण को अगर भुजा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो भुजा के रूप में क्या कन्वर्ट होगा? तो 14/√2, ये भुजा हो गया आपका विकर्ण के आधार पे, दूसरे वर्ग का भुजा। अब भुजा का स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? बी है। तो इस बी का वैल्यू कितना हो रहा है? तो 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी कि 2 9 18, 2 8 16, यानी 98। अब बताइए आपको ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, यानी कि 100 - 98 इक्वल टू क्या? 2। यही तो है, बस क्वेश्चन को समझना था इसमें, और कुछ नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, पढ़ता हूँ मैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक अन्य वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? फ्रेंड पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है अलग अलग फॉर्मेट के रूप में, कभी रेशियो पूछ दिया जाएगा, कभी कुछ। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? अब बोला गया एक अन्य वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया है, यानी ये जो विकर्ण है पहले वर्ग का, इस पे एक वर्ग बनाया गया है, यानी कुछ इस तरह से एकदम चौखुट ये वर्ग बनाया गया है, ये आपका एक और वर्ग बनाया गया है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। कौन से वर्ग का? जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा का जरूरत है, और इस वाले वर्ग का भुजा कौन होगा? ये और ये। और चूंकि ये एक वर्ग है, ये जो बनाया गया है ये एक वर्ग है, तो इसके चारों भुजा आपस में बराबर होगी, यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है ना। तो हम भुजा, पहले वर्ग का भुजा किसको मानेंगे? दूसरे वर्ग का भुजा किसको मानेंगे? जो पहले वर्ग का विकर्ण है। तो पहले वर्ग का विकर्ण बना लीजिए, खेला खत्म हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि डायगोनल बाय टू का स्क्वायर, डायगोनल बाय √2 का स्क्वायर। अब डायगोनल बाय √2 क्या है? तो डायगोनल बाय √2 किसका फॉर्मूला होता है? डायगोनल बाय √2 भुजा का फॉर्मूला होता है। तो भुजा का फॉर्मूला हम डायगोनल बाय √2 लिखे, और भुजा का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो वो क्षेत्रफल बन जाता है, जो कि क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 100 सेंटीमीटर दिया गया है ना। अब यहां पे मैं बात करूं तो डायगोनल स्क्वायर की मैं बात करूं तो यहां पे डायगोनल स्क्वायर बाय 2, डायगोनल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर यहां भी आएगा तो 2 हो जाएगा इक्वल टू, या फिर ऐसे कर ले इसको कि डायगोनल बाय √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा आपका, यानी कि 10 के बराबर हो जाएगा। तो डायगोनल का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 10√2, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा ना। अब इसका वैल्यू हमें पता चल गया कितना है, 10√2 है। तो 10√2 दूसरे वर्ग का क्या बन जाएगा? भुजा बन जाएगा। तो क्षेत्रफल 2 आपको निकालना है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा आपको पता चल गया है कि कितना है, 10√2 है। तो इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया आपका? 200 आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका 200 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। क्लियर है? अब इसी को एक और तरीका से पूछा जा सकता है, वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है एग्जामिनेशन में, आइए देखते हैं किस तरह से पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया गया है, आपका क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन शायद डिफिकल्टीज बढ़ गया हो जिनका रेशियो क्लियर नहीं है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी यहां पे बोला गया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल
का अनुपात निकालना है किसके क्षेत्रफल से, तो इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहां पे पहले वर्ग का क्षेत्रफल के लिए एरिया ये है आपका, एरिया ये है, एरिया ये है, एरिया सॉरी इसकी भुजा ये है, हम सबको ए मान लिए। तो अगर ये मेरा भुजा है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यहां भुजा को हमने ए माना है तो ए का स्क्वायर, क्लियर है। अब अगर ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल वन हो गया ये, अब क्षेत्रफल टू निकालना है। तो क्षेत्रफल टू निकालने के लिए ये वाला लाइन हमें पता होना चाहिए जो कि पहले वर्ग का क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण यानी डायगोनल बराबर होता है रूट टू गुना भुजा, जिसका वैल्यू आपको पता है कि भुजा का वैल्यू कितना है, तो ए है, यानी ए रूट टू हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या है, तो ए रूट टू है। तो ये दूसरे वर्ग का भुजा हो गया, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए रूट टू का स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। तो जब रेशियो हम निकालेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, तो ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर ही रहेगा, ये दोनों पे स्क्वायर है यानी कि ए का स्क्वायर भी है, और रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, तो टू के बराबर होगा, जहां से सॉरी ये रेशियो है, तो जब बीच में रेशियो है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा क्या, वन इज टू, टू इधर बच गया। तो यही आपको निकालने के लिए बोला जा रहा था, आपका आंसर कितना हो गया, बी हो गया, क्लियर है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा फिगर जिसका नाम है आयत यानी कि रेक्टेंगल, आइए देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अब जो मैं आपको फिगर बताने जा रहा हूं वो है आपका रेक्टेंगल, यानी जिसको हिंदी में आयत कहा जाता है। आयत और एक फिगर मैंने यहां पे आप देख रहे होंगे कि वर्ग का भी बनाया है, कुछ रीजन है इसलिए हमने बनाया है। पहले वर्ग को एक बार फिर से डिफाइन कर दें, वर्ग में मैंने क्या कहा था कि ये चारों भुजा क्या है, आपस में बराबर होता है, क्लियर है। और ये जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल, दोनों डायगोनल भी आपस में क्या होता है, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होता है, और दोनों डायगोनल जहां पे कटता है वहां पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्लियर है ना। यही होता है आपका वर्ग। अब बात करते हैं आयत की, आयत कैसे फिगर को कहा जाता है, तो आयत में सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, यानी कौन कौन सा भुजा, इसमें भी कुछ भुजा बराबर होता है, कौन कौन सा, आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होता है, यानी ए बी हमेशा बराबर होगा डी सी के या सी डी के, है ना, ये वाला रेखा इसके बराबर होगा और ये वाला रेखा इसके बराबर होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके डायगोनल की यानी विकर्ण की, तो इसमें भी दोनों विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होता है, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जैसे इसमें दोनों विकर्ण आपस में बराबर था वैसे ही इसमें भी दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा, लेकिन यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का कोण बने, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, यहां पे कोई ऐसा केस नहीं है। हाँ, ये चारों कोण 90 डिग्री का होता है, किसमें, वर्ग में, यानी चारों वर्टेक्स कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, तो यहां पे भी ये चारों कोण कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, क्लियर है। और दोनों केसेस में एकदम बीच से यानी 45-45 डिग्री भाग करके ये विकर्ण बांट करके ये विकर्ण खींचा जाता है। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी की, क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम इस वर्ग को या फिर ये कह ले कि क्या हम इस आयत को कभी भी वर्ग बोल सकते हैं, क्या कोई सा भी आयत कभी वर्ग हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ग का तो डेफिनेशन है कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है, वर्ग का डेफिनेशन क्या है कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये चारों भुजा आपस में बराबर है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग आयत कभी नहीं कह सकते हैं।
लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ग की यानी स्क्वायर की, तो क्या इस वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं? तो आपने यहां पे मैंने आयत के बारे में जो जो डिफाइन किया है उसके आधार पर बोलिए कि क्या ये वर्ग को आयत बोल सकते हैं। तो आइए आयत के डिफिनेशन को, इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं, देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। आयत, इसको आयत बोला जा सकता है कि नहीं, तो आयत कहते किसको है उस पर हमको जाना होगा। तो आयत कहा जाता है जिसकी आमने सामने का भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। तो आमने सामने का भुजा बराबर है कि नहीं? जब चारों ही बराबर है तो आमने सामने का भुजा तो आपस में बराबर ही होगा। तो ये आयत के लिए क्लियर किया गया है, यानी ये तो मैच कर रहा है। उसके बाद बोला गया कि यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहां पे भी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर बीच वाले कोण के बारे में बात किया गया, तो ये 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सा भी एंगल यहां पे बने आपका वो आयत कहला सकता है। तो मेन मुद्दा क्या था कि यहां 90 डिग्री होना चाहिए और आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए। तो 90 डिग्री है, आमने सामने का भुजा भी बराबर है, तो इसको आयत बोल सकते हैं। साथ ही दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए, दोनों विकर्ण, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसका भी दोनों डायगोनल आपस में बराबर है, यानी इसको हम आयत बोल सकते हैं। एक वर्ग को आयत बोला जा सकता है, लेकिन एक आयत को कभी भी वर्ग नहीं बोल सकते हैं। मतलब आयत का जो मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, क्षेत्रफल का हो गया फॉर्मूला, चाहे क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया या फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी परिमाप का फॉर्मूला हो गया, डायगोनल का फॉर्मूला हो गया, ये सब हम आयत में जो यूज करेंगे वही यूज हम वर्ग में कर सकते हैं। लेकिन वर्ग में जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो आयत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयत सिर्फ आयत है, वर्ग नहीं है। लेकिन वर्ग वर्ग भी है और आयत भी है, तो वर्ग में आयत वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और वर्ग वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। किसमें? वर्ग में। कैसे? आइए इसको भी थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आयत, इसका फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं, अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। तो हम मान लिए कि ये मेरा ए है और ये भी ए है, और ये दोनों, ये अगर बी है तो सामने वाला भी बी हो जाएगा, होगा ना? तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसके पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर चारों भुजाओं का योग होता है, तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? परिमाप की मैं अगर बात करूं तो चारों भुजाओं का योग कितना होगा? तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस फिर से ए आ गया और फिर से बी आ गया। तो इनको जब फॉर्मूला के रूप में सेट किया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है? तो ए ए जुटेगा तो 2a बन जाएगा, फिर बी बी को जोड़ेंगे तो 2b बन जाएगा, और 2 कॉमन अगर निकल गया तो क्या बन गया मेरा? तो a प्लस बी यहां पे बच गया, यानी परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। क्या इसका भी परिमाप ये हो सकता है? इसका तो a 2 इंटू ए प्लस बी, यानी a यहाँ पे हम मान लिए कि ये मेरा क्या है? लंबाई है। ये हम इसको a ना मान करके इसको एक काम करते हैं, लंबाई मान लेते हैं, तो ये भी लंबाई हो जाएगा, और ये चौड़ाई मान लेते हैं, यानी कि ये आपका चौड़ाई है, चौड़ाई को हम लोग b बोलते हैं, है ना? तो ये b ही छोड़ देते हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई ये हो जाएगा, और चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई ये मेरा ये चौड़ाई हो जाएगा, ब्रेथ होगा ना, चौड़ाई क्या होगा? ब्रेथ होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्ग का चारों भुजाओं को जोड़ने का, तो चारों भुजा चूंकि ये आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए, कि ए और बी भी आपस में बराबर है, यानी ए के जगह पे बी और बी के जगह पे ए भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने लिखवाया था वर्ग का परिमाप का, चार गुना भुजा। क्या चार गुना भुजा को हम यहाँ पे चार गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आमने सामने का भुजा बराबर है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें तो ए प्लस बी प्लस फिर से ये ए हो जाएगा और फिर से ये b हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस 2b इक्वल टू 2a प्लस b। हाँ, ये है कि यहाँ पे अगर मैं a ही पुट करता, मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ पे a ही पुट कर, क्योंकि b और a यहाँ पे बराबर है क्योंकि ये एक वर्ग है, तो यहाँ पे अगर हम a ही पुट कर दें यानी 2 इंटू ए प्लस ए, तो क्या बन जाएगा? तो दो गुना a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a, तो क्या हो जाएगा? दो दुना 4a।
तो यहाँ पे आप चार गुना भुजा भी बोल सकते हैं या फिर चार दो गुना ए प्लस बी भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं, एक जगह पे हमने एल ले लिया था तो यहाँ पे एल कर देते हैं लेंथ, तो यहाँ पे भी एल हो जाएगा और यहाँ पे भी एल हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चलिए कोई सा भी एक क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए 5 है और ये 2 है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितना है आपका 5 है, फॉर्मूला यही होता है आयत का क्षेत्रफल का। मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या भुजा में ये अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये 5 है तो सभी 5 हो जाएगा, सभी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, सभी 5 होगा ना। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला से हम इसको बनाते हैं तो 5 गुना 2 बराबर 10 हो गया, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसको 5-5 मान करके सभी को बना रहे हैं, ये एक अलग डायमेंशन है, तो ये एक अलग डायमेंशन है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर करते हैं यानी कि 25 आ रहा है, लेकिन इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं तब भी क्या आंसर आता है, तो आइए देखते हैं। तो इसका लंबाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और चौड़ाई भी कितना है 5 ही है, तो अगर इस फॉर्मूला को भी पुट करते हैं तो मेरा 25 ही आता है और वर्ग वाला फॉर्मूला को भी पुट करते हैं तो 25 ही आता है। तो इसीलिए इन शॉर्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि हम सभी वर्ग को आयत बोल सकते हैं, क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पे दो फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे पहला तो परिमाप है ना, परिमाप को अगर हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं परिमाप, इंग्लिश में पी से डिनोट करते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हिंदी में लिखना चाहे तो लिख ले, और इसका क्षेत्रफल ये हो गया। अब बात करते हैं इसके डायगोनल का यानी विकर्ण का, विकर्ण बराबर क्या होगा, तो विकर्ण यानी कि डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, या इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूला इसमें भी काम आता है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और मैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन दे देता हूं जो सिर्फ आपको निकालना क्या होगा, उसमें परिमाप निकालना होगा और क्षेत्रफल निकालना होगा और विकर्ण निकालना होगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो आयत का जो पहला क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, वो क्या कहता है कि एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप विकर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए स्टार्टिंग से फॉर्मूला के आधार पर इसको बैठाते हैं। पहला निकालना है परिमाप बराबर क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको आप लोग बना सकते हैं, 2 गुना लंबाई कितना है 12 है और चौड़ाई कितना है आपका तो 5 है, तो 2 गुना 12 5 कितना हो गया 17, यानी कि 17 दुना 34, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब बात करते हैं विकर्ण की, तो विकर्ण यानी कि डायगोनल बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो लंबाई के लिए कितना है आपका 12 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 144 जोड़ 25 बराबर कितना हो गया 169, और ये किसका स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर है, यानी कि इसका डायगोनल कितना निकल गया, तो डायगोनल 13 निकल गया। अब बात करते हैं क्षेत्रफल का यानी एरिया का, तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपको पता है 12, चौड़ाई पता है 5, यानी 12 पचे
60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। बस यही तो है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे। आज से 10 साल पहले भी शायद इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होगा, या शायद किसी छोटे मोटे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता होगा। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके, आयत में ज़्यादा नहीं घुमाया जाता है, तो बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बस फॉर्मूला में बैठाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था। हम लोग अगले क्लास में रेक्टेंगल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा भी जाता रहेगा। क्लियर है ना? उसके बाद रेक्टेंगल के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आगे कौन सा फिगर स्टार्ट करते हैं। पहले रेक्टेंगल से रिलेटेड हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।